वेलकम बैक कैंडिडेट, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है माय एम माय फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा पेपर है वो है M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। जनवरी 2023 में नाइलेट द्वारा जो सेट 2 कंडक्ट कराया गया था उसका इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन है M1 R5 का। कैंडिडेट, यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन नाइलेट्स रिलेटेड वीडियोस का, नाइलेट्स रिलेटेड लेक्चर्स का, नाइलेट्स रिलेटेड कोर्सेज का, और यहाँ पर OABC लेवल के कोर्सेज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है। एवं आपके पास जो नाइलेट के शॉर्ट कोर्सेज चलते हैं उससे रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स जनवरी 2023 का सेट नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पूछा गया है कि किसी भी शब्द के आपको डिफरेंट अर्थ खोजने हैं, तो डिफरेंट अर्थ यानी डिफरेंट मीनिंग अगर आपको पता करने हैं तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। तो थ्रेसर्स एक ऑप्शन अवेलेबल होता है लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर या फिर लिब्रा MS वर्ल्ड के अंदर, जिससे आप किसी भी शब्द के, कोई भी वर्ड है आपके पास उसके डिफरेंट मीनिंग आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो उमंग जो है यानी उमंग जो ऐप है वो किस तरीके की सेवाएं प्रदान नहीं करता है, किसके लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो किसानों के लिए करता है, विद्यार्थियों के लिए करता है, पेंशनरों के लिए करता है, शिकारियों के लिए कोई भी सुविधा प्रदान नहीं करता है उमंग जो ऐप है। और अगर हम उमंग ऐप की थोड़ी सी डिस्कस करें कि उमंग ऐप क्या है, तो उमंग ऐप का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका पूरा नाम है। और ये एक सरकारी मोबाइल ऐप है जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं तक एक ही मंच से पहुंचाने का के उद्देश्य से बनाया गया है। उमंग ऐप पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को अलग अलग पोर्टल या कार्यालयों पर की वेबसाइट पर या फिर उन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐप सरकारी योजना जैसे पेंशन हुआ, PF हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, गैस हुआ, गैस बुकिंग हुआ, पासपोर्ट आदि जैसी 1000 प्लस सेवाएं आपको प्रदान करता है। देखिए कितना पावरफुल ऐप है कैंडिडेट की उमंग ऐप के अंदर यह सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म है, और ये जो शिकारी होते हैं उनके लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पर, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सॉरी 3, किसी पते को 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है। देखिए जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश की अगर बात हो रही है तो वो होता है टेलनेट यूआरएल में आपके जो फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश, वो ऑप्शनल होते हैं। बाकी HTTP URL, SMTP URL, न्यूज एड्रेस या टेल, ये इनके अंदर क्या होता है, ये मैंडेटरी होते हैं। HTTP की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है, उसका भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। SMTP की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कैंडिडेट देखिए, हमें हर चीज का ऑप्शन का पता होना चाहिए, जिससे कि हमें जब हम इन कोर्स को करेंगे ओ लेवल को या ए लेवल को, उसके बाद हमें जॉब लेने में कोई असुविधा ना हो। तो अब जानते हैं कि टेलनेट यूआरएल होता क्या है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स, किसी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दूरस्थ कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कोई दूर कंप्यूटर है और उससे आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप टेलनेट का यूज करेंगे। यह आपको अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन करने और वहां कमांड चलाने की अनुमति देता है। यदि आप दूर बैठे हुए हैं और आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कराना है तो आप टेलनेट के थ्रू करा सकते हैं। देखिए ये इसका एग्जांपल है, टेलनेट का एग्जांपल है, जो टेलनेट के example.com, और यहाँ पर पोर्ट नंबर दिया गया है। तो इसमें फॉरवर्ड स्लैश कहीं भी नहीं लगा है, ये एक ऑप्शनल होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक है। तो देखिए अगर हम सबसे तेज तकनीक की बात करें तो IMPS है। IMPS का काफी बार पेपर्स में देखा गया है कि फुल फॉर्म पूछी गई है कि IMPS की फुल फॉर्म क्या है। तो IMPS के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है।
यह एक फास्ट इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इंटरनेट यानी इंटर बैंकिंग का मतलब है कि बैंकों के बीच में फंड को ट्रांसफर करने के लिए सबसे फास्ट है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा संचालित है। तो देखिए इसके बारे में पूछा गया जाता है कभी कभार कि IMPS किसके द्वारा चलाया गया, तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यह सेवा भारत में 24/7 उपलब्ध है, यानी 24/7 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है, जिसमें उपयोगकर्ता किसी भी समय धन को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये IMPS सबसे फास्ट सर्विस है। काफी बार कैंडिडेट NEFT या RTGS की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT की फुल फॉर्म होता है और RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एंकर्स के लिए लगाए जा सकते हैं, तो एंकर कहां पर लगाए जा सकते हैं, तो करेक्टर में लगा सकते हैं, पैराग्राफ में लगा सकते हैं, फ्रेम में लगा सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी जगह एंकर्स लगा सकते हैं। तो देखिए एंकर्स होते क्या है, एक्चुअली क्या है, कैंडिडेट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको पेपर तो पास कराना है ही है, उसके साथ में मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको एक अच्छी नॉलेज हो, जिससे कि जब मैं आपको ये बोलूं कि अब आप ओ लेवल करने के बाद या ए लेवल करने के बाद आप स्किल का 1 या 2 मंथ का 1 या 2 मंथ का ये कोर्स कर सके, तब आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ हमने जो ओ लेवल पास किया है उसमें हमने नॉलेज बेस पास किया है, जिससे कि हम नेक्स्ट कोर्स भी कर सके। तो एंकर का उपयोग तब होता है, देखिए जब आप किसी वस्तु यानी वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जैसे चित्र हुआ, टेक्स्ट बॉक्स हुआ या अन्य ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हुआ को टेक्स्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि वह वस्तु उस टेक्स्ट के साथ बनी रहे। एंकर का मतलब होता है कि वस्तु किसी विशेष पैराग्राफ या टेक्स्ट के साथ जुड़ी हुई है और उस टेक्स्ट के चारों ओर घूमने पर वह वस्तु भी उसके साथ घूमती है। तो देखिए एंकर्स का मतलब क्या होता है कि आपने एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ के बीच में एक इमेज डाल दी, जैसे आप इमेज को रोटेट करेंगे वैसे वैसे पैराग्राफ भी अपने अकॉर्डिंग सेट होता चला जाएगा। तो ये होते हैं एंकर्स। आप करेक्टर पर भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ पर भी डाल सकते हैं, फ्रेम पर भी डाल सकते हैं, सभी पर आप एंकर्स को डाल सकते हैं। तो कैंडिडेट ये एंकर्स और ये जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस M1R5 में पूछे जाते हैं, M2R5 में पूछे जाते हैं, ये M3R5 में पूछे जाते हैं, वहां पर आप अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, तो देखिए कौन सा एक प्रेजेंटेशन मोड वैलिड नहीं है, तो वो है आधा स्क्रीन या फिर आप बोल सकते हैं हाल्फ स्क्रीन। हाल्फ स्क्रीन वैलिड नहीं है, हाल्फ स्क्रीन के स्थान पर एक फुल स्क्रीन वैलिड है। इन ए विंडो अवेलेबल है, लूप एंड रिपीट अवेलेबल है, और एक आता है प्रेजेंटर कंसोल। हाल्फ स्क्रीन के स्थान पर होता है प्रेजेंटर कंट्रोल, तो सॉरी कंसोल। तो ये क्या है, एक वैलिड मोड है लिब्रेऑफिस इंप्रेस में। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो है आपका लिब्रेऑफिस। लिब्रेऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कहीं कहीं पर OSS लिख देते हैं, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, सार्वजनिक मतलब सबके लिए उपलब्ध है, और जिसे कोई भी उपयोग अध्ययन संशोधित और वितरित कर सकता है। इसका मतलब आपको फ्रीली है कि आप इसको उपयोग करिए, यूज करिए, उस पर रिसर्च करिए, आप उसमें चेंजेस करिए और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज होती है OSS में। OSS का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के विकास को पारदर्शी और सामूहिक सहयोग द्वारा प्रोत्साहित करना है। तो देखिए क्या है कि जो OSS होते हैं यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनका मेन पर्पस यही होता है कि एक तो विकास बहुत जल्दी हो सके क्योंकि कोलैबोरेशन ज्यादा लोग करेंगे और सामूहिक सहयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें कैंडिडेट, तो यहां पर पूछी गई है शॉर्टकट की, जिनका फॉर्मेटिक चिन्हों को टॉगल करने के लिए क्या आता है, तो कंट्रोल के साथ अगर आप F10 प्रेस करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो वहां पाते हैं कि जो शॉर्टकट की है वो है टॉगल करने के लिए फॉर्मेटिक चिन्हों को। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसके द्वारा जारी किया गया, तो UIDAI के द्वारा जारी किया गया है। UIDAI की फुल फॉर्म भी मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ये क्या है, ये भारत सरकार की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, जिसे भारतीय निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी करने के लिए स्थापित किया गया है। यानी इसको क्यों स्थापित किया गया था कि ये भारत के लोगों को, जो हमारे भारत देश के लोग हैं, उनको एक स्पेशल नंबर दे सके जिससे उनकी विशिष्ट पहचान हो सके। यह विशिष्ट पहचान संख्या आधार के नाम से जानी जाती है। देखिए कॉमन है आधार। UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2029 में की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा यह स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी, और ये UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो सबसे लोकप्रिय पॉपुलर मेथड है वो है इथरनेट। इथरनेट सबसे पॉपुलर है। अब इथरनेट होता क्या है इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। इथरनेट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्किंग तकनीक है। यानी एक बहुत बड़े स्तर पर यूज होने वाला एक टेक्नोलॉजी है नेटवर्क की, जो कंप्यूटर और अदर इक्विपमेंट को एक लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। तो जो कंप्यूटर है और उसके साथ जो इक्विपमेंट है, जैसे प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, या फिर और भी चीजें हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए बहुत यूज किया जाती है। कहां पर, लोकल एरिया नेटवर्क में। यह तकनीक डेटा को पैकेट्स के रूप में भेजती है। तो डेटा को पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डेटा को भेजती है और रिसीव करती है, रिसीव भी करती है, जिससे तेज और विश्वसनीय संचार सुनिश्चित होता है। कि तो डेटा तेज ट्रांसफर होता है और एक बिलीव होता है कि डेटा हमारा सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, तो प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रिंट प्रीव्यू जो विकल्प है उसमें को टॉगल करने के लिए आपको कौन सी कुंजियों का उपयोग करना होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं आप, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, लिंकडिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो लिंकडिंग किसके लिए उपयोग करते हैं, एक तो बिल्ड कनेक्शन के लिए यूज होता है, बिल्कुल, स्टे इन टच विद कॉलेजेस, यानी जो आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनके साथ आप कनेक्ट रह सकते हो, और रोजगार सर्च जॉब्स। तो देखिए रोजगार खोलने के लिए, मतलब रोजगार को खोजने के लिए एक लिंकडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आपको जॉब की सर्च होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बताया है मैंने यूट्यूब चैनल पर कि लिंकडिंग पर कैसे प्रोफाइल आप क्रिएट करें, कैसे आप रिज्यूम को डालें, जिससे कि आप इजिली से जॉब को सर्च कर सके। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है कैंडिडेट, जिसका उपयोग लोग अपने प्रोफेशनल संपर्क को बनाने, व्यावसायिक अवसरों को खोजने और अपनी पेशेवर प्रोफाइल को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से व्यापार यानी बिजनेस और प्रोफेशनल जो कनेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो थोड़ा थोड़ा हमको इसके बारे में जानना भी है, जो जो चीजें हमारे पास पूछी आती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीजों का। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से या सामग्री की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। देखिए जब भी हम प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और पोर्शन या कंटेंट हमारी फाइल में होता है, तो हम उसके लिए जो अपनी फाइल को सुरक्षा प्रदान करते हैं वो होता है प्रोटेक्ट, एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट के थ्रू, हम उस पर लॉक लगा देते हैं। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। तो देखिए कोई भी छोटा पार्ट्स है कोड्स का और वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ गया, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करेगा, वो नुकसान जनरेट करेगा यानी हमें लॉस करेगा, तो उसको बोलते हैं वायरस। वायरस होता क्या है, देखिए वायरस को भी थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशंस में जान लेते हैं। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अनचाहे रूप से सिस्टम में प्रवेश करता है और उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। यह कंप्यूटर सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण समस्या है। वायरस साधारणतः इंटरनेट या प्रतिष्ठित स्रोतों से डाउनलोड किए गए फाइलों में ईमेल अनुसंलग्न या संग्रहित मीडिया के माध्यम से प्रसारित होते हैं। ये देखिए ध्यान रखिए कि वायरस आता कहां से, मेन जो इसका वो है सोर्स इंटरनेट। इंटरनेट से वायरस आता है और वो आपके कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, तो ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या क्या होगी। तो ATM डेबिट कार्ड पर जो छपे अंक होते हैं वो होते हैं 16, बट यहाँ पर NILET द्वारा क्वेश्चन के ऑप्शंस में वो ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, 10, 12, 11 और 13। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो आंसर लिखा गया उसके साथ जाना है। NILET उसके लिए आपको एडिशनल नंबर देगा, जब उसके NILET के पास कंप्लेंट जाती है कि आपके यहाँ
जो मिसप्रिंटिंग हुआ है 13 के स्थान पर 16 होना चाहिए था, तो उसके लिए होता है। अब 98 जो होता है मतलब जो डेबिट कार्ड है उसमें होता क्या है, तो अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो ये एक 16 अंकों का होता है। देखिए 16 अंकों का होता है, यह कार्ड की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, जो नंबर होता है वो कार्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। यह कार्ड के अंदर प्रिंट किया जाता है, कार्ड के अंदर या फिर कार्ड के ऊपर जो आप देखते हैं तो वो प्रिंट किया जाता है। इसका उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन में किया जाता है डेबिट कार्ड का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो फेसबुक के सीईओ का पूरा नाम पूछा गया है, तो वो है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के सीईओ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ जब आप क्यू प्रेस करते हैं तो वहां पर बाहर आने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है, यानी कौन सा एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू ओपन आईओटी मैनेज करता है रजिस्ट्रेशन को और डिप्लॉयमेंट करता है सेंसर्स को, तो जीएसएन एक नेटवर्क होता है। अब थोड़ा सा जीएसएन के बारे में भी जानते हैं। देखिए जीएसएन या फिर इसको फुल फॉर्म होता है ग्रिड सेंसर नेटवर्क। ग्रिड सेंसर नेटवर्क की फुल फॉर्म भी पूछी गई है कि जीएसएन का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रिड सेंसर नेटवर्क है एक विशेष प्रकार का नेटवर्क है। ये क्या है कि स्पेशल नेटवर्क है जो सेंसर और अधिकतम विकसित कंप्यूटर को जोड़ता है, जो सेंसर और जो विकसित कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। इसका उद्देश्य संगठित तरीके से सेंसर डेटा को संग्रहित यानी कलेक्ट करना, उस पर एनालिसिस करना और उसको प्रेजेंट करना है, ताकि जो यूजर्स है वो रिफरेंस और सटीक जानकारी मिल सके। तो जीएसएन का ग्रिड सेंसर नेटवर्क है, ये एक सेंसर है जो अधिकतम विकसित कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेगा, ये डेटा को कलेक्ट करेगा, उस पर एनालिसिस करेगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें कैंडिडेट, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने की शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको फंक्शन ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो फंक्शन को आप शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में क्या है, तो मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन क्या है, तो सभी स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से कुछ दिखाई देता है। देखिए मास्टर स्लाइड का यूज ये होता है कैंडिडेट कि जब भी आप उसमें मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल एक प्रकार की प्रेजेंटेशन है, ये क्या एक प्रकार की प्रेजेंटेशन है जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस यानी जो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस है जैसे प्रेजेंटेटर सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में आप बना सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट में इसका यूज होता है। यह फाइल विभिन्न स्लाइडों की डिजाइन और लेआउट को कलेक्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए मान लीजिए आपने 20 पेजेस की स्लाइड्स को तैयार किया है और सारी स्लाइड्स पर आपको सेम टू सेम डेटा को डालना है, कुछ उसमें डिजाइन तैयार करना है, उसमें डेटा आपको एक कॉमन डेटा का यूज करना है, तो वहां आप मास्टर स्लाइड का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 21 के अगर कैंडिडेट हम बात करें तो इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं। देखिए जब आप इमेज होती है, जब आप इमेज जो होती है उनको एक ऑटोमेटिकली लेयर में स्टोर किया जाता है, तो उसको कहते हैं क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग, क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, तो ट्रांजिशन जो होते हैं वो होते क्या है, तो पहले ही समझ लेते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन एक इफेक्ट है, इफेक्ट होता है जब आप स्लाइड पर लगाते हो, जो प्रेजेंटेशन के एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप ट्रांजिशन का यूज करते हैं कैंडिडेट तो क्या होता क्या है, जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आते हैं तो ट्रांजिशन आपको शो होता है, तो उसमें जो वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है वो है कलर। कलर उसमें वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी वेरिएंट है, साउंड है, ड्यूरेशन है, बट कलर उसके अंदर वैलिड जो है उसकी वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस एक एक्सटेंशन है, तो सबसे पहले ओएस की बात हो रही है तो ओएस की फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, तो क्या है ये एक टाइम शेयरिंग है और मल्टीटास्किंग है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ओएस है जो एक समय पर एक से अधिक प्रोग्राम को टाइम टेबल में चलाता है। देखिए एक समय पर एक से अधिक, जैसा इसका वर्ड से आपको प्रतीत हो रहा है, इसका जो शब्द है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टैलेंटेड बोला जाता है इसे, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है जो एक समय पर एक से अधिक प्रोग्राम को टाइम टेबल में चलाता है।
ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम के रिसोर्स को बेहतर बनाना है, जो सिस्टम का रिसोर्स है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करना, जैसे कि प्रोसेसर हुआ का समय बचाना, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का एक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 24, बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम बुकमार्क की बात करें तो बुकमार्क के लिए किसी बुकमार्क को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन को चुने, यानी जब भी आप बुकमार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, तो यहां पर ये कथन सही नहीं है। बुकमार्क होता क्या है, तो बुकमार्क एक फीचर है जो आपको दस्तावेज यानी आपके डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर चिन्हित करने और उन्हें बाद में आसानी से खोजने में मदद करता है। जब आप एक बुकमार्क बनाते हैं तो आप उसे एक नाम देते हैं और इसे अपने डॉक्यूमेंट के किसी विशेष स्थान पर सेट करते हैं। तो बुकमार्क स्पेशली, आपको समझ में आ गया कि बुकमार्क है क्या। तो कैंडिडेट देखिए, जो आपको ध्यान रखना है मेन चीज, आपको पेपर तो सोल्व करना ही है, उसके बारे में, उसके ऑप्शंस के बारे में, उस क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्लीटली इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं है तो फिर आप प्रोग्रेस उसमें नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल और उससे संबंधित डेटा को कहां पर कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो वो मेल बॉक्स। देखिए, जब आप मेल या उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो कहां पर स्टोर होता है, वो होता है मेल बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रा ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर आप क्रॉस रेफरेंस डालते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो जंप कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पर, इंसर्ट कर सकते हैं रेफरेंसेस को एज ए फील्ड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, ये और यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट विद कैप्शन एंड बुकमार्क एज ए टारगेट। तो सारे के सारे ऑप्शन पॉसिबल है इसके अंदर। क्रॉस रेफरेंस एक विशेष टेक्निक है, देखिए एक ये स्पेशल टेक्निक है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसर जैसे सॉफ्टवेयर में किया था। वर्ड प्रोसेसर वाले सॉफ्टवेयर कौन से है, एमएस वर्ल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है, लिब्रा ऑफिस राइटर है, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग जो डॉक्यूमेंट के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से रेफरेंस करने के लिए करता है, यानी एक हिस्से से दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए इसका यूज करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में के लिए विजार्ड नहीं देता है। तो विजार्ड नहीं देता है, लेटर के लिए देता है, फैक्स के लिए, एजेंडे के लिए, बट ईमेल के लिए नहीं देता। अब विजार्ड होता क्या है, देखिए विजार्ड एक कंप्यूटर उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। विजार्ड काम को सरल बनाने के लिए कदम दर कदम निर्देश और सुझाव प्रदान करता है। देखिए विजार्ड्स को हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस में या बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन देखें विजार्ड की। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो आपको गाइड आता है कि आप एग्रीमेंट करिए, यस, नेक्स्ट करिए, उसके बाद फिर लाइसेंस को एग्री करिए, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद ये है। तो स्टेप बाय स्टेप जो स्टार्टिंग में जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो इंस्टॉलेशन करते समय जो स्लाइड्स या पेजेस आपके सामने आते हैं और आपसे एग्रीमेंट मांगते हैं, सब चीजें मांगते हैं, गाइड करते हैं, उसको विजार्ड्स बोलते हैं कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 28, ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट। देखिए ऑटो करेक्ट एंट्री क्या है, क्या हेल्प कर सकती है। तो देखिए ऑटो करेक्ट एंट्री की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो उसमें आपको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ऑटो करेक्ट से, आप एक्सेप्शंस कर सकते हैं और वर्ड का कंप्लीटेशन कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी। ऑटो करेक्ट एक विशेषता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाई जाती है। यह सुधार करने के लिए शब्दों की बात करें या फिर हम बात करें कि ऑटोमेटिक कुछ चीजों को इम्प्रूव करना, गलतियों को सही करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये वहां पर यूज की जाती है कैंडिडेट। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 29 की, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में जो शॉर्टकट की है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की, वो है शिफ्ट के साथ F7। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करती है। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस अगर आपको फुल फॉर्म पता है DHCP की, तो आइडिया लगा सकते हैं। DHCP होती है
डीएससीपी का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली रूप में आईपी एड्रेस प्रदान करती है, डायनेमिकली एड्रेस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 31, इंप्रेस एक उपयोगकर्ताओं को मैक्रोस को अनुमति देता है। तो इंप्रेस अलाउ करता है यूजर को मैक्रोस को तो रन करने की फैसिलिटी देता है, एडिट करने की, ऑर्गेनाइज करने की, तो ऑल ऑफ द अबव। मैक्रोस की अगर हम बात करें तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में एक प्रभावी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को बनाने यानी क्रिएट, संशोधित यानी चेंजेस, निर्धारित करने की और स्वचालित यानी ऑटोमेटिक करने की अनुमति देते हैं। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसको आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर, लिब्रा ऑफिस हो या फिर एमएस वर्ल्ड हो। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो देखिए परम 8000 एक सुपर कंप्यूटर था, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया था, ये 1991 में बना था। आज 2024 का टाइम है तो लगभग 33 ईयर पहले ही 1991 में इसको बनाया गया था। यह भारतीय सुपर कंप्यूटर की शुरुआत थी। देखिए सुपर कंप्यूटर का जो हमारा इंडिया में एक बहुत बड़ा गर्व का टाइम था वो 1991 था, क्योंकि उस समय ही हमारे सुपर कंप्यूटर की शुरुआत थी और इसने भारतीय वैज्ञानिकों और रिसर्चकर्ताओं को उनके अध्ययन में तेजी से काम करने का अवसर प्रदान किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी अपने जो हमारा हिस्ट्री है कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा, कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है इंडिया में वो किस संस्था ने बनाया, वो सीडेक ने बनाया और क्या नाम था उसका, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 33, ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई हो सकता है। तो मैक्सिमम अगर ट्विटर की हम बात करें लेंथ जो हो सकती है उसमें 280 वर्ड्स की हो सकती है। ट्विटर पर यूजर अपने विचार, तस्वीरें, वीडियो, लिंक और अन्य सामग्री को साझा करते हैं। प्रत्येक ट्वीट की सीमा 280 अक्षरों तक हो सकती है। देखिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें आपको पता होना कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 34, दस्तावेजों का एक बैच बनाएं। देखिए क्रिएट ए बैच ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज फॉर ईच डिसिप्लिन, यानी आपको एक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट बनाना है और अलग वो प्रत्येक रिसीवर के लिए आपको इंडिविजुअल बनाना है। आपने एक लेटर बनाया, उसी लेटर को हर अलग 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 जो रिसीवर है उनको भेजना है। तो उसके लिए मेल मर्ज की फैसिलिटी अवेलेबल है, मेल मर्ज यूटिलिटी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। मेल मर्ज एक उपयोगी सुविधा है जो डॉक्यूमेंट और लेटर के ऑटोमेटिक उत्पादन को संभव बनाती है। यह उपकरण सामान्यतः वर्ड प्रोसेसर जैसे सॉफ्टवेयर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो जो स्प्रेडशीट फाइल को मानक प्रमाण पत्र यानी डिजिटली साइन सर्टिफिकेट की स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, जो स्प्रेडशीट फाइल है आपकी, तो वो कौन सा है, तो X.509। ये होता क्या थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी। X.509 सर्टिफिकेट एक प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज है, यानी प्रमाणित डिजिटल सर्टिफिकेट है जो वेबसाइट, सर्विस या अदर नेटवर्क संचालन की पहचान करता है, ठीक है, और जानता है कि उसकी जानकारी एक वैलिड प्राथमिकता में है। यह एक खास प्रकार की डिजिटल प्रमाण पत्र होता है जिसमें रिफरेंस या उससे संबंधित व्यक्ति या संगठन के विवरण और सार्वजनिक और एक निजी कुंजी शामिल होती है। तो ये ध्यान रखिए कि हमारा जो स्टैंडर्ड है डिजिटली साइन का सर्टिफिकेट का वो X.509 है। क्वेश्चन नंबर 36, लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। तो लैन के लिए देखिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फाइल सर्वर, कॉक्सियल केबल, बट मॉनिटर सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कैंडिडेट फाइल के लिए, यह आपको ध्यान रखना विशेष तौर से। और लैन के लिए कौन कौन सी चीजें होती है मेन, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो स्विच का यूज किया जाता है, राउटर का यूज किया जाता है, हब का यूज किया जाता है, केबल का यूज किया जाता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। तो वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F5। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा पैकेट स्विच WAN नहीं है, यानी विच इज नॉट ए पैकेट स्विचिंग इन WAN। तो WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, तो ISDN नहीं है। ISDN की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है।
कैंडिडेट ISDN की जो फुल फॉर्म होती है वो थी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, एक टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन को रिफरेंस करती है और विभिन्न सेवाओं को एक ही नेटवर्क पर इंटीग्रेट करती है, यानी एक ही नेटवर्क पर ले आती है। ISDN एक पुरानी यानी एक ओल्ड टेक्निक है जो अब अधिकांश ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रतिस्थापित की गई है। तो देखिए ध्यान रखना है कि अगर वैन में पैकेट स्विचिंग की बात हो रही है तो ISDN से नहीं होता है वो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। तो लिब्रा ऑफिस में जो हमारी बात हो रही है कि कौन सी फाइल की बात हो रही है, लिब्रा ऑफिस राइटर की, तो .odf होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेजेंटेशन को में परिवर्तित नहीं किया सकता, तो प्रेजेंटेशन को मेटा फाइल में परिवर्तित नहीं किया सकता, आप बिटमैप में बना सकते हो, 2D में कर सकते हो, 3D में कर सकते हो, बट आप मेटा फाइल में नहीं कर सकते हो। अब मेटा फाइल की अगर हम बात करें तो देखिए मेटा फाइल जो होती है एक स्पेशली फाइल होती है, उसको भी हम देखेंगे मेटा फाइल क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, राउटिंग के लिए जिम्मेदार वो SI लेयर कौन सी है, वो SI रेफरेंस लेयर आपको बतानी है जो राउटिंग के लिए जिम्मेदार है, तो वो है नेटवर्क लेयर। ठीक है, वो SI क्या है, तो SI का फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये एक मॉडल उन 7 परतों का वर्णन करता है, इसके अंदर कितने थे, 7 लेयर होती है, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, और ये 7 लेयर्स इसके अंदर अवेलेबल होती है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर संचार करने के लिए करता है। ठीक है, ध्यान रखना है नेटवर्क पर जो कम्युनिकेशन होगा वो OSI मॉडल के थ्रू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ H होती है। क्वेश्चन नंबर 43, लैन OS के लिए एक प्रारूप है, तो लैन फॉर्मेट क्या है लैन OS के लिए, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। पीयर टू पीयर लैन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कैंडिडेट जो कई उपयोगकर्ता यानी कई यूजर को एक लैन पर स्थानीय नेटवर्क में जोड़ता है, यानी मल्टीपल यूजर्स को आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ना है तो पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, उन्हें डेटा और रिसोर्सेस को शेयर करने की अनुमति देता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में हर यूजर एक समान दर्जे का होता है और उनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के रिसोर्सेस को अन्य यूजर्स के साथ साझा कर सकता है। देखिए पीयर टू पीयर जो OS होता है लोकल एरिया नेटवर्क में, लोकल एरिया OS में जो पीयर टू पीयर की सर्विस है वो यही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपके पास अगर लोकल एरिया नेटवर्क में 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो वो एक सिंगल प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो OS में रेडी क्यू को मेंटेन कैसे करते हैं, तो रेडी क्यू को मेंटेन करने के लिए होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, डेटा की संरचना है, ये स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है ये, जिसमें डेटा को टुकड़े, डेटा के टुकड़े यानी पार्ट्स जो होते हैं वो नोड्स एक सिलसिलेवार लिंक तरीके से रखे जाते हैं। डेटा के जो पार्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रत्येक उसको बोलते हैं नोड, और नोड में डेटा और अगले नोड में एड्रेस स्टोर होता है, दो पार्ट्स में होता है स्टोर लिंक लिस्ट में, और अंतिम पहला नोड तो होता है उसका हेड नोड और अंतिम नोड होता है उसका नल पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रा ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करता, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में क्या होता है, पेंटिंग का टूलबार अवेलेबल नहीं है, और मीडिया प्लेबैक है, 3D सेटिंग्स है, ड्राइंग है, बट पेंटिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 46 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेट मार्क नहीं है, तो देखिए वैलिड फॉर्मेट मार्क नहीं है लिब्रा ऑफिस कैल्क में, तो सेंटेंस जॉइनर कोई भी वैलिड फॉर्मेट मार्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर, कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस है जो यूजर को नहीं मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस, तो कंपाइलेशन। देखिए कंपाइलेशन क्या है, कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है और जिससे कि वो एग्जीक्यूटेबल हो सके, तो इस तरीके की जो सर्विस होती है वो आपकी होती है पाइथन है, लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये फैसिलिटी होती है, पाइथन है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है,
या फिर रूबी है, इस तरह की लैंग्वेजेस जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलेशन प्रोसेस का यूज होता है, और कंपाइलेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस के अंदर नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी डॉक्यूमेंट पर डिजिटली रूप से साइन करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर मेनू विकल्प कहां पर उपलब्ध है? फाइल के अंदर, फाइल जो मेनू है उसमें उपलब्ध है। 49, कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? तो देखिए लैन आधारित यानी लैन लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड जो मैसेजिंग होती है उसका एग्जांपल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डोमेन नहीं है कैंडिडेट। तो डोमेन एक नेटवर्क की एक विशेष सेट है जो एक या एक से अधिक सर्वरों को इंटरनेट पर व्यवस्थित करती है। यह एक वेबसाइट, ब्लॉग या अन्य डिजिटल संपत्ति के विनियामक होता है। इसे इंटरनेट पर एक विशिष्ट नाम से पहचाना जाता है, जैसे कि example.com, google.com। तो डोमेन जो होता है यहाँ पर डोमिनो ये नहीं होता है, डोमिनो के स्थान पर यहाँ पर डोमेन होता तो भी ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें कैंडिडेट, तो ओपन रिमोट ऑप्शंस, ओपन फाइल फ्रॉम, तो देखिए अगर हम ओपन रिमोट ऑप्शन के थ्रू अगर फाइल को ओपन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो कहां से खोलता है फाइल को? तो सर्विसेज से खोलता है। ऑटो रिमोट एक उपकरण होता है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूरस्थ स्थान से निरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आप डिफरेंट लोकेशन पर बैठे हैं और आप किसी फाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ऑटो ओपन रिमोट से ऑप्शन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें, तो स्प्रेड शीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में रूप में ईमेल किया जा सकता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कर सकते हैं, पीडीएफ को कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव को सबको कर सकते हैं मेल आप। क्वेश्चन नंबर 52, इमेज मैप एक या अधिक हॉटस्पॉट का समूह होता है। तो देखिए जो इमेज मैप है वो ग्रुप होता है किसका? एक या एक से अधिक हॉटस्पॉट्स का। हॉटस्पॉट्स होते क्या है? तो हॉटस्पॉट एक पिक्चर में उन क्षेत्रों को कहा जाता है या एक इमेज में उन फील्ड या क्षेत्रों को कहा जाता है जो इंटरेक्टिव होते हैं, अर्थात जिन पर क्लिक किया जा सकता है और जिनमें जिनसे यहां वहां नेविगेट यानी ऊपर नीचे जाया जा सकता है। यह एक डिजिटल इमेज के भीतर आपको विभिन्न सामग्रियां और लिंक्स को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट कि जो हॉटस्पॉट्स है उसको उसका मतलब यह है कि आप उसके थ्रू मल्टीपल नेविगेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रा ऑफिस कैल्क पर फाइल को रिमोटली रूप से सेव नहीं करता, कहां पर नहीं करता? अगर आप लिब्रा ऑफिस कैल्क की फाइल को आप रिमोटली सेव करना चाहते हैं, कहीं दूर सेव करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव नहीं करना चाहते, तो गूगल ड्राइव पर फैसिलिटी देगा, वन ड्राइव पर देगा, एफटीपी पर देगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, बट आईबीएम लोटस नोट्स पर नहीं देगा। अब जान लेते हैं कि आईबीएम लोटस नोट्स है क्या, जिसे अब एसएल नोट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मैसेज कार्रवाई और सहयोग समाधान है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क और नोट्स और अन्य डेटा को कलेक्ट करने से संबंधित और मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। यह उपकरण व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जिसका संगठन के कर्मचारियों के बीच में उनसे बातचीत हो सके, डेटा का कोलैबोरेशन हो सके, डेटा को शेयरिंग किया जा सके। तो ये आईबीएम लोटस नोट जो है वो एसएल का नोट्स है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटीज पर ये लिब्रा ऑफिस कैल्क नहीं प्रोवाइड करता है डेटा को सेव करना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 54 की बात करें कैंडिडेट, तो इंप्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए यानी अगर आपको जंप करना है और लास्ट एडिट स्लाइड पर पहुंचना है लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में, तो आप किस शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, लिब्रा ऑफिस कैल्क में जो कमेंट होती है वो कहां पर, उसमें क्या किया जा सकता है? तो उसको एडिट भी किया जा सकता है, शो भी किया जा सकता है और डिलीट भी, यानी ऑल ऑफ द अबव। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो कमेंट होती है उपयोगकर्ता जो यूजर होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में उनकी प्रतिक्रियाएं, उनका सुझाव, उनमें टिप्पणी जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक माध्यम है जिसका उपयोग उपयोगकर्ताओं के बीच में सहयोग और संचार को सुविधाजनक बनाने में किया जाता है। देखिए जो कमेंट की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 56,
3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका उपयोग करेंगे? तो हम जो है 3D प्रिंटिंग में रेजिन का भी करते हैं, निटिनॉल का भी करते हैं, रबड़ का भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यानी सभी का करते हैं। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3D वस्तुओं को डिजिटल मॉडल के रूप के आधार पर बनाया जाता है। यह एक टेक्निक है जिसमें वस्तुओं को कागज, प्लास्टिक और मेटल जैसे अनेक प्रकार की सामग्री से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 3D प्रिंटिंग में सब चीजों का यूज करते हैं। 57 ई भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है। तो जो ई पेमेंट है वो किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो डिजिटल वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है। ई भुगतान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न यानी डिफरेंट भुगतान यानी पेमेंट्स को करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर करने का तरीका है जिसमें विभिन्न टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, ईमेल है या वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रा ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? तो चार्ट सीरीज वैध नहीं है। लिब्रा ऑफिस अगर वैलिड स्टेप की बात करें लिब्रा ऑफिस चार्ट के विजार्ड में, तो चार्ट सीरीज ऐप जो है वैलिड नहीं है। चार्ट विजार्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल है जो यूजर को विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। यह उपकरण एक उपयोगकर्ता को विभिन्न विकल्पों और पैरामीटर के माध्यम से ग्राफिकल दृश्य को अनुकूल करने की सुविधा प्रदान करता है। चार्ट विजार्ड अक्सर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटा विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या लिब्रा ऑफिस कैल्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें, कौन सी एक फायरवॉल टेक्निक नहीं है? तो फायरवॉल टेक्निक नहीं है इसमें से। तो फायर प्रॉक्सी सर्विस जो है वो फायरवॉल टेक्निक नहीं है। फायरवॉल टेक्निक होती क्या है? फायरवॉल टेक्निक एक सिक्योरिटी प्रणाली है, सिक्योरिटी सिस्टम है, जो किसी नेटवर्क या सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी आपके नेटवर्क में कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट या बाहरी कोई व्यक्ति ना आ जाए, उसके लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। यह नेटवर्क के अंदर और बाहर से आने वाले डेटा को सुरक्षित और सुरक्षा टेक्निक का उपयोग करके उसको चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 60, सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किए जा सकते हैं, तो OSS है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, ओपन ये सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका ठीक है। तो OSS को क्या है कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं, ये आपको ऊपर भी मैंने बताया था, जो पब्लिकली जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, जिसमें आप भविष्य में या व्यक्ति है या कोई संगठन है उसको फ्री में पढ़ भी सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो लिब्रा ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को अनुमति नहीं देता। तो ट्रैक चेंजेस इन लिब्रा ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ, तो डिलीट करने की फैसिलिटी नहीं देता है। ट्रैक चेंजेस एक सुविधा है जो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं में उपलब्ध होती है, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तन को पहचानने और दर्शाने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक परिवर्तन को देखने और उसे स्वीकार, अस्वीकार या संशोधित करने में सुविधा प्रदान करती है। तो ये ध्यान रखना है कि लिब्रा ऑफिस में जो ट्रैक चेंजेस है उसमें डिलीट की फैसिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, लिब्रा ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वही है, बट इसको चेंज कर दिया गया, ट्रैक चेंजेस इन लिब्रा ऑफिस जनरेट अलाउ, तो स्प्लिट डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट की मिलेगी, कंपेयर डॉक्यूमेंट की मिलेगी, रिकॉर्ड की मिलेगी, बट स्प्लिट डॉक्यूमेंट की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में कनेक्टरों को के उपयोग से विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जाता है। यानी कनेक्टर जो होते हैं वो एंकर्स को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लिब्रा ऑफिस में यूज करते हैं, तो ग्लू पॉइंट एक होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ग्लू पॉइंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 64, IoT में इस्तेमाल होने वाला जावा एक्सटेंशन फाइल क्या है? तो IoT में जावा एक्सटेंशन फाइल पूछी गई है, तो .jar है, और C की बात होती है तो .c है, एग्जीक्यूटेबल के लिए .exe फाइल यूज होती है, पाइथन के लिए .py यूज होता है एक्सटेंशन। तो जावा एक प्रमुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सटेंसिवली यूज की जाती है बहुत ज्यादा, और वेब और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है ये। क्वेश्चन नंबर 65, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है? रिपीटर्स के लिए सारे के सारे कथन सही है,
लेयर वन डिवाइस है, कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट कर सकती है, एक्टिवेट पावर्ड कर सकती है। तो रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है कैंडिडेट। रिपीटर क्या एक नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क के डेटा के सिग्नल को बूस्ट या बढ़ावा देने ताकि दूरस्थ दृश्य को पहुंच सके। यह डेटा सिग्नल को पुनः प्रेषित करने और मदद करता है जिससे कि नेटवर्क की रेंज बढ़ सके। देखिए रिपीटर्स क्या होता है, कैंडिडेट रिपीटर्स का रोल क्या होता है कि जब कहीं से आपका सिग्नल आपके पास आ रहा है वो सिग्नल वीक हो रहा है, आप रिपीटर्स लगा दीजिए, वो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी जो है क्षमता बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 63 शॉर्टकट की पूछी गई है सेव एस की, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस इसकी शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 67 लिब्रा ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की, तो ऑटो फिल्टर की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ऑटो फिल्टर एक फैसिलिटी है जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में प्रयुक्त होती है, यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डेटा विकल्पों को आसानी से फिल्टर करने की फैसिलिटी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 68 प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की, उसमें क्या चीज यूज हुई थी, तो आईसी का यूज किया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और फोर्थ में बीएलएसआई। बीएलएसआई की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी गई नैलेट के एग्जामिनेशन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 69 आईओटी प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के कुल प्रकार हैं। तो आईओटी की प्लेटफॉर्म की बात करें तो 4 है और वॉइस कम्युनिकेशन के जो वो है वो 3 है। तो देखिए आईओटी प्लेटफॉर्म एक आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रणाली है। ठीक है, जिसमें विभिन्न उपकरणों और संचार नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने और मैनेजमेंट करने के लिए उपयोग की जाती है। ये प्लेटफॉर्म को सुरक्षित प्रदर्शन के मामले में एक स्पेशल प्रदान करते हैं ताकि आईओटी अनुप्रयोगों को समर्थन किया सके। ठीक है, तो आईओटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आने वाले टाइम में आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। क्वेश्चन नंबर 70 इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट 3D मॉडल इन ए डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट में 3D मॉडल को इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को आप एडजस्टमेंट की जा सकती है, तो सारी प्रॉपर्टीज को कर सकते हैं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो स्नैप ऑब्जेक्ट होता क्या है, स्नैप ऑब्जेक्ट एक विशेषता है, एक स्पेशलिटी है जो डिफरेंट ग्राफिकल और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में उपयोग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डिजाइनिंग करते समय ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ सटीक रूप से अलाइन करना और पोजीशन प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 72 लिब्रा ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे डन करेंगे आप, तो डेट पर कर सकते हैं, फॉर्मूला पर कर सकते हैं, सेल की वैल्यू पर कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सब पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटा फील्ड तक पहुंच सकता है, तो एड टेबल का यूज करके आप पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है, यानी दी बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट ए प्रोसेस, तो क्या है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, यानी जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में है तब आप रिलेट कर सकते हैं प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 75 APUS इज ए सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एट रियल स्टोर्स। देखिए रियल रिटेल स्टोर पर अगर आपको एक्चुअली पेमेंट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो वो क्या है, वो कौन सी डिवाइस है, तो वो है कैंडिडेट हार्डवेयर। हार्डवेयर एक ऐसी डिवाइस है जो मतलब POS यानी पॉइंट ऑफ सेल इसका पूरा नाम होता है, एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग दुकानों, रेस्टोरेंट या अन्य बिजनेस प्रतिष्ठानों में भुगतान प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। POS मशीनें कैश रजिस्टर, कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर को एक संयोजन होती है जो बिक्री लेन देन को रिकॉर्ड करती है और विभिन्न प्रकार के भुगतानों को स्वीकार करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि POS। क्वेश्चन नंबर 76 लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की, शिफ्ट के साथ अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो डिपेंडेंट का पता करेंगे। अब डिपेंडेंट होता क्या है, डिपेंडेंट का मतलब कोई भी सेल है लिब्रा ऑफिस कैल्क में, उसका मान किसी, उसकी जो वैल्यू है वो किसी और पर निर्भर करती है, उस दूसरे सेल के अंदर चेंजेस होगा तो आपके सेल के अंदर भी चेंजेस होगा,
इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 77, मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों में सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर, तो कौन सा है? नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, यानी नॉर्टन मोबाइल की सिक्योरिटी आती है कैंडिडेट, जिससे आपके मोबाइल के अंदर आपको नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी होता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको मोबाइल प्रोटेक्ट रह सके। अगर हम बात करें कैंडिडेट की नॉर्टन मोबाइल की, नॉर्टन सिक्योरिटी मोबाइल की अगर हम बात करें, तो उसके लिए देखते हैं क्या है। नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी एक एंटीवायरस और सुरक्षा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से मोबाइल के जो उपकरण होते हैं, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, इस तरह के की चीजों को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इसका डिजाइन क्या है? यह सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल उपकरणों को मालवेयर, वायरस और अदर अन्य खतरों से बचाने में मदद करता है। नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी का उपयोग एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा जो स्टाइल है वो मान्य नहीं है? देखिए, तो इनमें से कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है? तो इनमें से पुअर जो स्टाइल होता है कैंडिडेट, ये पूरा ग्रीन हो गया कोई बात नहीं, पुअर जो स्टाइल होता है वो वैलिड नहीं होता है। हेडिंग वन होता है, गुड होता है, बैड होता है, वो पुअर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79, सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विशेष प्राप्तकर्ताओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आपको मेन जिसको आप मेल कर रहे हैं उसको आपको नहीं बताना है आप कि आपने किस किस को मेल किया, तो आप BCC में मेल को लिख सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिख सकते हैं। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक ईमेल का फीचर है जिसका उपयोग आप एक ही मेल को कई जो रिसीवर है को भेजने के लिए कर सकते हैं, और उन रिसीवर को यह जानकारी नहीं होती है कि ईमेल किन किन लोगों को भेजा गया है। यह सुविधा प्राइवेसी को बनाए रखने और जो रिसीवर है को रिसीवर की ईमेल एड्रेस को अन्य लोगों से छिपाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को प्रोसेस करने के लिए करते हैं, तो वो है MICR। MICR का पूरा नाम भी काफी बार पूछा गया है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसको बोला जाता है। ये एक टेक्निक है जिसका उपयोग विशेष प्रकार की स्याही और फॉन्ट का उपयोग करके लिखी गई जानकारी को पढ़ने और उसको प्रसंस्करण के लिए किया जाता है, यानी प्रसंस्करण मतलब प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट। यह तकनीक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में चेक और अन्य दस्तावेजों की प्रोसेसिंग के लिए ऑटोमेटिकली करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो MICR का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। OMR का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। OCR का ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR की भी फुल फॉर्म पूछी गई है, बारकोड रीडर आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें, तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पर क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, माउस को पेन के रूप में उपयोग करके भी चेंज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच इज नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी, तो जो इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी है उसमें वैलिड पेपर फॉर्मेट क्या नहीं है? तो लेंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो डबल कोटेशंस का उपलब्ध नहीं है। देखिए, एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, कोटेशन है, बट डबल कोटेशन का ऑप्शन लिब्रा ऑफिस जो इम्प्रेस है राइटर है सॉरी उसमें उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, लिब्रा ऑफिस राइटर दस्तावेज को एक्सपोर्ट करने के विकल्प है, तो देखिए आप PDF में भी कर सकते हैं और EPUB में भी कर सकते हैं। अब PDF तो आपको पता है, PDF की फॉर्म भी काफी बार पूछी गई है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको बोलते हैं, बट EPUB आपने हो सकता है पहली बार सुना हो कौन सी फाइल फॉर्मेट होती है, इसको मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है EPUB की, ठीक है, EPUB का। ये एक डिजिटल ईबुक फाइल फॉर्मेट है जिसे विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस और ईबुक रीडर पर पढ़ा जा सकता है। यह फॉर्मेट विशेष रूप से टेक्स्ट और इमेज के लचीले और पुनः प्रारूपण योग्य प्रस्तुत के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये पब्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, मल्टी थ्रेडेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन इज टास्क, तो ये मल्टी थ्रेडेड जो
शेड्यूलिंग होती है, मॉडल होता है, वो कहाँ पर होता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने ऊपर भी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, मध्यस्थ का काम करता है, यानी मीडिएटर का काम करता है, और विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें तो एक दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के कलेक्शन यानी भंडारण, स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए आधारित प्लेटफॉर्म है। तो क्या है? डिजिटल लॉकर बहुत पॉपुलर जो है एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर क्या है थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। डिजिटल लॉकर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली एक डिजिटल रेफरेंस है, जो नागरिकों को उनके महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट दस्तावेज को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को संग्रहित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ के साथ आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 88 की बात करें तो स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिवर्तित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होता है, अगर आपको रिवर्ट करना है फॉर्मेटिंग को मैनुअली रूप में तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने के लिए यूज करते हैं। तो एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने के लिए जो यूज करते हैं, एक्टिव करने के लिए एक्सटेंशन मैनेजर को कंट्रोल ऑल्ट और ई का यूज करते हैं। एक्सटेंशन मैनेजर क्या होता है? तो लिब्रा ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर एक उपयोगी उपकरण है जो यूजर को विभिन्न एक्सटेंशन और प्लगइन को आसानी से मैनेजमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यह उपकरण लिब्रा ऑफिस के साथ आता है और इसके माध्यम से यूजर विभिन्न एक्सटेंशन को स्थापित, संचालित और अपडेट कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को कनेक्टर का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो इसमें जो फिलिंदा ब्लैंक्स हो, कनेक्टर का उपयोग करके आप लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में जो है जो आपकी टू टाइप की शेप्स है उसको आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, लिब्रा ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल को डॉट ओडीएस फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो डॉट ओडीएस आपको ध्यान रखना है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है कैंडिडेट, तो ओडीएस के साथ कैल्क की फाइल सेव होती है। क्वेश्चन नंबर 92, वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती यानी अनऑर्डर लिस्ट की सूची होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आउटलाइन स्लाइड। तो आउटलाइन स्लाइड में अनऑर्डर लिस्ट आती है जब आप आउटलाइन सिलेक्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो सेंड टू फ्रेंड का ऑप्शन नहीं है, ब्रिंग टू फ्रेंड का है, सेंड टू बैक का है, फॉरवर्ड वन का है, बट इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करें, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया है, तो डॉट ओडीपी होता है, ODS होता है कैल्क का। ध्यान रखिए कि ये सारे एक्सटेंशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता? तो देखिए, एक फॉर्म में डेट जोड़ी जा सकती है, टाइम जोड़ा जा सकता है, न्यूमेरिकल जोड़ा जा सकता है, बट स्ट्रिंग नहीं जोड़ी जा सकती। स्ट्रिंग के स्थान पर टेक्स्ट को जोड़ा जाता है, कैंडिडेट ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 96, नेटिकेट किससे संबंधित नियम है? तो नेटिकेट या फिर नेटिक्यूटी जिसको बोलते हैं, ये साइबर हैबिट से संबंधित है। नेटिकेट उन नियमों को और मानकों का संग्रह यानी कलेक्शन है जो लोगों को इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सही तरीके से व्यवहार करने की शिक्षा देता है, यानी एक प्रॉपर वे में आप बातचीत करने के लिए नेटिक्यूट रूल्स का ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें कॉपी करना है फॉर्मेट को, एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट प्रिंटर का हम यूज करेंगे कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 98, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फिलिप एक्शन के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फिलिप एक्शन क्या होता है? फिलिप एक्शन का मतलब है कि इमेज का को चेंज करना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी उसकी पोजिशनल को चेंज करना। तो
तो फ्लिपिंग ए एक्शन कन्वर्ट इनटू ए फ्लोटिंग सेक्शन, तो फ्लोटिंग सेक्शन में परिवर्तन करना ये नहीं कह, ये अवेलेबल नहीं है लिब्रे ऑफिस एक्शन में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 99 की बात करें, कैंडिडेट फुटनोट रखा जाता है, यानी फुटनोट कहां पर होता है, तो प्रत्येक प्रश्न के नीचे अलग अलग होता है फुटनोट होता है कि प्रत्येक जो भी पेजेस होते हैं ईच पेज पर होगा बट वो डिफरेंट होता होगा। क्वेश्चन नंबर 100, टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश को भेजना, सेंडिंग मैसेजेस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इसके लिए किया जाता है। टेलीग्राम एक इंटरनेट आधारित संदेश सेवा है जो उपयोगकर्ता को संदेश, फाइल, छवियां यानी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो और डॉक्यूमेंट भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो कैंडिडेट यहां पर आपने 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, जनवरी 2023 का सेट नंबर 2 था। सारे के सारे सेट आपके इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आई बटन पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां क्लिक करके सारे के सारे सेट्स को देख सकते हैं। और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारी जो थ्योरेटिकल्स वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियोस है, उनको भी देख सकते हैं, नोट्स भी आप हमसे ले सकते हैं। तो कैंडिडेट अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें ये जरूर बताइए। और स्टडी करते रहिए, प्रॉपर मेहनत करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइम आ गया है, उसके लिए भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसको भी आप देखिए और उनका अपने जो डेली का रूटीन है उसमें यूज करिए। कैंडिडेट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय बाय।